2018 में आने वाली फिल्मों के बीच होने वाली है जबरदस्त टक्कर। जी हाँ, आज इस पैकेज में हम आपको बताएंगे उन फिल्मों के बारे में जिनके बीच होने वाला है 2018 में बॉक्स ऑफिस क्लैश। पैडमैन वर्सेस अय्यारी, रिलीज डेट 26 जनवरी। साल 2018 के शुरुआती महीने यानी जनवरी में 26 जनवरी को रिलीज हो रही है अक्षय कुमार की पैडमैन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की अय्यारी, और इन दोनों के बीच होगा जबरदस्त मुकाबला। कौन सी फिल्म बाजी मारेगी, ये तो फिल्म की रिलीज के बाद ही फाइनल हो पाएगा। बागी 2 वर्सेस मणिकर्णिका, रिलीज डेट 27 अप्रैल। अप्रैल 2018 में 27 अप्रैल को रिलीज होगी कंगना रनौत की पीरियड फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और टाइगर श्रॉफ की मच वेटेड फिल्म बागी 2। वाकई में इन दोनों के बीच बॉक्स ऑफिस मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होगा। रेस 3 वर्सेस फने खान, रिलीज डेट 15 जून। सलमान खान जैकलीन स्टारर रेस 3 और ऐश्वर्या राय अनिल कपूर स्टारर फन्ने खां एक ही दिन यानी 15 जून को रिलीज होगी। कमाल है कि एक्स लवर्स सलमान और ऐश्वर्या बॉक्स ऑफिस पर आपस में टकराने वाले हैं। वाकई में ये मुकाबला भी देखने लायक होगा। तो ये है साल 2018 की वो फिल्में जो आपस में टकराने वाली है। बॉलीवुड की लेटेस्ट गपशप न्यूज और स्कूप्स के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल नाउ।